श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और तपन से राहत देने के लिए मंदिर परिसर में गंगा द्वार से लेकर बाबा दरबार तक कैनोपी लगा दी गई है। साथ ही तेज दोपहर में तपते हुए पत्थरों पर मैट भी बिछाई गई है। इन सुविधाओं से अब श्रद्धालुओं के न तो पैर जलेंगे और न ही उन्हें तेज तपिश झेलनी पड़ेगी। मंदिर के सुविधा से श्रद्धालु भी खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु गुड्डू दुबे ने बताया कि मंदिर की ये व्यवस्था काफी अच्छी है। यहाँ रहते हैं, बाबा का पूजा होता है और सब मंदिर में भी बैठते हैं। तो गुरु जी, विश्वनाथ कॉरिडोर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार से छाया लगाई गई है, मतलब टेंट का व्यवस्था किया जा रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है, यात्री की सुविधा के लिए जरूरी भी है कि जो गर्मी मई जून में पड़ती गर्मी अभी ही आ रही है, आई रहने से यात्री लोग इसका मतलब समुचित लाभ लेंगे, अपने आराम से आएंगे जाएंगे, बाबा के दर्शन पूजा करेंगे। रास्ते में किस किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही यात्रियों को? सुविधा तो बहुत हो रहा है, जो कोई अभी सोचा नहीं था वैसा वैसा सुविधा मिल रहा है। कुमार शर्मा, सीकर, राजस्थान। कितने सालों बाद विश्वनाथ कॉरिडोर आया? तो पहली बार आया हूँ, लेकिन टीवी में बहुत देखा है, यहाँ पे बहुत मतलब काम हुआ है, बहुत अच्छी मतलब पुराने मकान जो है सारे तोड़ करके और बहुत बढ़िया बनाया है और इतना आराम यात्रियों को किया है कि मतलब भक्त लोग सब बहुत खुश रहते हैं देख देख के। सर, हाँ, आसमान है वो भी तप रहा है, बस काशी विश्वनाथ खूब आशीर्वाद देंगे, जिन्होंने भी इस कार्य को करवाया है खूब उनको आशीर्वाद देंगे। इसमें आपको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब इस गर्मी में भी हम आराम से चल के आ रहे हैं, नहीं तो चल भी नहीं सकते इन पे गर्म पत्थरों पे। आपका दर्शन? बहुत दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया, पहली बार काशी देखी, बहुत आनंद आया, मजा आया। मतलब मेरा नाम किशोर कुमार है, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ तो कई बार आए हैं, लेकिन इस आज जो पहली इधर जो बना है ना, आज मैं पहली बार आ रहा हूँ। सब कुछ सुविधा दिख रहा है, मतलब पहले से बहुत कुछ मतलब अलग दिख रहा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए काशी का कॉरिडोर में ये तिरपाल और टेंट की व्यवस्था करी है, जिससे लोगों को आराम हो, इसके भी सब बहुत बढ़िया है। आप मतलब मोदी जी जो भी किए हैं टूरिस्ट के लिए, सब कुछ बहुत बढ़िया किए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।